नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए आपके अपने पवन पांडे का। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल A1 हिंदुस्तान। तो दर्शकों, बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल आज बजने जा रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की आज घोषणा होगी। चुनाव आयोग दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान करेगा। चुनाव आयोग ने एक पत्र जारी कर बताया है कि राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र में एक या फिर दो चरणों में मतदान हो सकते हैं। हालांकि अधिक संभावना एक चरण की ही जताई जा रही है। वहीं झारखंड में 1 से 3 चरणों में मतदान संभावित है, लेकिन 2 चरणों में चुनाव की संभावना अधिक है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने सारी तैयारी कर ली है और आज तारीख के साथ साथ पूरी डिटेल भी सामने आ जाएगी। आपका अपना चैनल A1 हिंदुस्तान एक एक डिटेल आपको बताएगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सीटों की संख्या 288 है। महाराष्ट्र में बहुमत का आंकड़ा 145 है। यहां पुरुष मतदाताओं की संख्या 4.9 करोड़ है, जबकि महिला मतदाता 4.64 करोड़ है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच सीटों को लेकर सहमति बन गई है। अभी तक जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आया है वो आपको बता देते हैं। महायुति यानी कि बीजेपी, शिवसेना और अजीत पवार एनसीपी गुट का जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उसमें बीजेपी 150 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। शिवसेना शिंदे कैंप 90 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है और एनसीपी अजीत पवार गुट 50 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। भाई महाविकास आघाड़ी का सीट शेयरिंग फॉर्मूला आपको बता दें, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट 100 से 110 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और कांग्रेस 100 से 110 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। एनसीपी 70 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड के लिए घोषणा के साथ साथ यूपी की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और बाकी कुछ राज्यों के उपचुनाव की भी घोषणा हो सकती है। वायनाड लोकसभा सीट पर ही उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को पूरा हो रहा है, वहीं झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को समाप्त होगा। तो इसी को लेकर आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, एक एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो साथियों, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिचितों से भी सब्सक्राइब करवाकर हमें सपोर्ट कीजिएगा। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।